नमस्कार, मैं हूं एसएस पांडे। सबक्रियर में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। राजधानी दिल्ली में मजदूर किरायेदार विकास पार्टी ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। आने वाले लोकसभा की तैयारी में मजदूर किरायेदार विकास पार्टी ने अपनी तैयारी को आगे बढ़ा दिया है। दिल्ली में किराए पर रह रहे लोगों के हित के लिए पार्टी संघर्ष करना शुरू कर दिया है। सबकिनेर की टीम जब देवली क्षेत्र में पहुंची तो वहां पर मजदूर किरायेदार विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि किरायेदारों के पास भी उनका मकान हो। वहीं पर मजदूर किरायेदार विकास पार्टी देवली की प्रभारी प्रगत सक्सेना ने कहा कि दिल्ली सरकार में यदि मजदूर किरायेदार विकास पार्टी की भागीदारी बनती है तो किरायेदारों के लिए एक मानक लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एरिया के हिसाब से मकान के किराए का रेट निर्धारित किया जाएगा। प्रगत ने कहा कि मजदूर किरायेदार विकास पार्टी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में उतरेगी और सरकार में अपनी भागीदारी बनाएगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पासवान का एक ही उद्देश्य है कि दिल्ली में रह रहे किरायेदारों के पास भी रहने के लिए एक अपना छत होना चाहिए। पार्टी इसी उद्देश्य से दिल्ली की सड़कों पर उतरी है और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पेश है हमारे संवाददाता राजेंद्र सोनी कृपा शंकर पांडे की खास रिपोर्ट। बीच में मजदूर किरायेदार विकास पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे। आपका नाम क्या है? राजू जी। राजू जी कहाँ रहती हैं? तिगड़ी में रहती हूँ, मदर डेरी। आपका अपना मकान है? किराए पे रहती सर। तो आपके आपको समस्याएं बहुत सारी आती होंगी? बहुत परेशानी है मुझे। क्या परेशानी है जरा बताइए। क्यों 7,000-7,000 रुपये किराए के लिए आते हैं, मकान मालिक मांगते हैं, और इतना खाने के लिए भी नहीं है, इतना कमाने वाला भी नहीं है। खुद मजदूर आदमी है, महीने में लगता है, महीने में नहीं लगता काम। आपने अभी तक अपने मकान क्यों नहीं बनाया? अब जब पैसे ही नहीं होंगे तो बनाएंगे कहाँ से? तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं हमें थोड़ी छत चाहिए हमारे लिए रहने के लिए। किससे चाहते हैं? सरकार से चाहिए। सरकार से चाहिए, मतलब आप लड़ने के लिए तैयार हैं? आपका क्या नाम है? रेशमी। रेशमी जी आप ये बताइए, आपका अपना मकान है किराए पे है? किराए पे ही है। किराए पे है, एक रूम में 6-6 जने गुजार रहे हैं। अच्छा, तो समस्याएं भी आती होंगी? बहुत समस्या आती है, बहुत दिक्कत चल रही है हमारी, बहुत प्रॉब्लम है। हम भी चाहते हैं कि सरकार मुझे थोड़ी छत दे। सरकार से आपकी डिमांड है? क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया। तो सरकार आपको फ्री में तो छत देगी नहीं? जो आप उसकी अच्छा होगी पैसे की, जो बनेगी इससे बनाएंगे, वो तो हम दे सकेंगे जितना हमारे पास क्षमता। मतलब देने को तैयार है? क्यों नहीं दे रहे? आप बताइए आपका नाम क्या है? मंजू जी। आप किराए पर रहती हैं? अपना मकान है आप अपना मकान है या किराए किराए पर रहती हैं? किराए पे। कितने साल से रह रही हैं? 20 साल हो गए। 20 साल अभी तक आपने मकान नहीं बना सके, क्यों? क्या आदमी कमाते नहीं है, मैं काम करती हूँ। नमस्कार, आज हम देवली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं जहां मजदूर किराएदार विकास पार्टी के लोकसभा क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमती प्रगति सक्सेना के साथ ये जानते हैं, उनसे चर्चा के करते हैं क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और उन लोगों के बारे में जिनके सर पर अभी तक किसी भी सरकार ने उनके सर पर छत के बारे में नहीं सोचा। प्रगति सक्सेना जी, आप किराया मजदूर किराएदार विकास पार्टी के लोकसभा के अध्यक्ष हैं और मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप मजदूर किराएदार से संगठन से जुड़ी हुई हैं, इस तरीके से आप लोगों को किस तरीके से जागरूक करने का बीड़ा उठाई हैं? हम अपने गली मोहल्ले की सभी किराएदार बहनों से जाके मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं और उनकी परेशानियां हम तक आती हैं तो उनका समाधान करते हैं। और हमने एक ही बात बताई है कि सारी किराएदार बहनें हमारे संग जुड़ जाएं और हमारे पासवान जी ने जो ये छेड़ा है मुहिम उसको एक मंजिल दें और उसके बाद उनका रास्ता क्लियर है। मकान, मीटर, नाली, मकान मालिकों का
प्रताड़ना, ये सभी बातों को लेके हमारी महिलाएं बहुत परेशान। जिस तरीके से आपकी पार्टी अभी नया गठन हुआ है, जबकि आपके सामने बहुत सारी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, उनके सामने आप कैसी ये जंग लड़ेंगी? जंग लड़ना क्या है, किसी भी पार्टी ने कभी भी हम किराएदारों के बारे में तो सोचा ही नहीं है ना कहा है। जब भी कोई पार्टी आई है उसने नाली सड़क और अन्य अन्य बातें, डीजल और ये वो सब चीज़ की बातें करी और हाथ जोड़ करके टिकट लिए जीत गए, उसके बाद हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन एक मात्र एक ये किराएदार आंदोलन पार्टी है जो इसने हमारे किराएदारों के लिए सोचा है, और हम किराएदार 80% हैं और हर तरीके से परेशान हैं, और सबसे ज़्यादा उसके लिए महिलाएं ही परेशान हैं। आपके इलाके में विकास कार्य को लेकर क्या आप कहना क्या चाहती हैं? विकास कार्य को लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि जिस एरिए में अगर हम जीत के आते हैं यहाँ पर, और जीतेंगे 100%, और उसके बाद हम करेंगे कि जो एरिया होगा वहाँ पर किराया फिक्स करेंगे कि 1 रूम सेट कितने का और 2 रूम सेट कितने का हो। ये नहीं कि कोई 2000 का दे रहा है उसी को कोई 5000 का दे रहा है, टूटा कमरा कोई 6000 का दे रहा है कोई 10000 का दे रहा है, उसको हम फिक्स रेट करवाएंगे और गवर्नमेंट से कहेंगे कि एक अपना डाटा बनाए जिससे कि हर एरिए में हमें मकान मालिक से बात ना करनी हो, हमको तो केवल डाटा देख करके हम जाने कि हम किस एरिए में हम रहने जाए, मेरी बड़ी फैमिली है तो किस एरिए में जाए, छोटी फैमिली है किस एरिए में जाए, और क्या हम दे सकते हैं, तो हमारा मकान मालिक से कभी झगड़ा ही नहीं होगा। यूनिट की भी बिजली का भी यही प्रॉब्लम है कि बिल बहुत तेज जा रहे हैं, हमसे कुछ लिए जा रहे हैं, आ कुछ रहे हैं, केजरीवाल जी ने सस्ते कर दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग तो वही 8 रुपये 10 रुपये 13 रुपये ही दे रहे हैं ना। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे किराएदारों के लिए मीटर इशू कराएं, एक लिमिट रख दें, और हम किराएदारों के लिए कहीं भी मकान 2-2 कमरे का सेट दें। तो आपको क्या लगता है कि आप ये जो चुनावी जंग है भविष्य में उस चुनावी अटैंडी को पार करके आप सत्ता में शामिल होंगी? हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, सत्ता में। दिल्ली विधानसभा में ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किराएदार लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत परेशानी में गिरे हैं। बिजली की समस्या ले लीजिए, पानी की समस्या ले लीजिए, रोजगार की समस्या ले लीजिए, और देवली से बाहर निकलने तक की समस्या ले लीजिए। जिनके सर पे छत नहीं है और इन लोगों को भरोसा है, पूरा भरोसा है कि मजदूर किराएदार विकास पार्टी भविष्य में आने वाले चुनाव में चुनावी वैतरणी पार करके इन लोगों को ऐसी पॉलिसी मुहैया कराएगी जिससे इन लोगों के सर पे छत नसीब हो सके।